एनसीईआरटी केस नंबर 176 इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन इज लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास. सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.50 और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर वो वेल नोन वैल्यू है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से हमको क्या मालूम है, n इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इज इक्वल टू c अपॉन v, और हमको किसकी वैल्यू निकालना है, v का वैल्यू निकालना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, v इज इक्वल टू c अपॉन n. अब क्या बन गया, ये आपके पास c का वैल्यू है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड n दिया है 1.50. अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. तो सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यूज अलग अलग कर ली और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लिया.